हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखते हैं, हम आप लोगों को टॉपिक बताए हुए थे कंजुगेट, मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव इनवर्स। इन तीनों टॉपिक के बेसिस पे हम यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं और इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैंने फिर से रिपीट कर दिया, कौन सा बेसिस पे सॉल्व कर रहे हैं इसको? कंजुगेट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे सवाल लिए हुए हैं। आइए इस सवाल को सॉल्व करें। देखिए सवाल में कैसे हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए पहले सवाल को पढ़ते, देखिए मेरे पास पहला सवाल क्या, फाइंड द कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दिया हुआ है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकालना है और आपका ऑप्शन दिया होगा, ऑब्जेक्टिव सवाल है, इसमें से ए होगा, बी होगा, सी होगा, यहां से इसमें से कोई भी सही नहीं इस सवाल का। तो इसी बेसिस पे हम लोग इसी तरह से सेम दूसरा क्वेश्चन आपका, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस चारों में से कौन सा होगा। उसी प्रकार से दूसरा सवाल में तीसरा सवाल है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। उस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक उसी प्रकार से फाइंड द कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका भी चार ऑप्शन दिया हुआ है। यानी कि अभी हम जो सवाल करेंगे वो तीन टॉपिक के बेसिस पे सवाल करेंगे, पहला कंजुगेट का, दूसरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और तीसरा एडिटिव इनवर्स पे। ये तीन टॉपिक का सवाल हमने यहाँ पे ले रखा है। देखिए पहला सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए पहला सवाल मेरा क्या, कंजुगेट निकालना है। तो सबसे पहले देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर कितना दिया होगा, ध्यान देंगे। लेट पहला सवाल को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, लेट जेड इज इक्वल टू, जेड इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, जेड इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 minus 2 iota into 2 plus 3 iota बटा कितना हो जाएगा, नीचे कितना दिया हुआ, 1 plus 2 iota into 2 minus 2 minus iota। ये दिया हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है जिसका मुझे क्या निकालना है, कंजुगेट निकालना है। ध्यान देंगे आप, तो सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा दिया हुआ है ये अरेंज किया नहीं हुआ है, अरेंज का मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे देना दिया हुआ चाहिए वो हमेशा x प्लस आई बी के फॉर्म में हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 से गुणा करिए, 3 गुना कितना हो जाएगा 6, फिर 3 को 3 से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा कितना, 6, कितना हो जाएगा, 9 आएगा। नहीं, ये 3 इस 2 से भी गुना होगा, इस 3 से भी गुना होगा, फिर बीच में देखिए माइनस है तो माइनस आएगा और कितना हो जाएगा, 4 आएगा। माइनस और प्लस कितना होता है, माइनस, और माइनस और प्लस माइनस हो गया, 2 into 3 कितना हो जाएगा, 6 होगा, i into i कितना हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर। नीचे देखिए नीचे कितना हो जाएगा, नीचे क्या है, 1 into 2 कितना हो जाएगा, 2 plus, ठीक है, 2 minus का साइन है, बीच में माइनस आएगा, 1 into iota कितना हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा, प्लस है, प्लस का साइन लिखेंगे, 2 into 2 iota कितना हो जाएगा, 4 iota। इस 2 iota को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 4 iota, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, 2 iota into minus कितना हो जाएगा, 2 iota square होगा। कह रहे हो ध्यान दीजिए, 6 plus 9 iota minus 4 iota मतलब 9 i में से 4 i चला जाएगा, हमारे पास कितना बचेगा, 5 i, माइनस 6 into iota square का वैल्यू कितना होता है, माइनस, पता है आपको, क्योंकि iota square का वैल्यू कितना होता है, -1, iota square का वैल्यू कितना होता है, -1, -1 हम यहाँ पे रख दिए, नीचे क्या हो जाएगा, 2 2 minus iota plus 4 कितना बच गया, प्लस का 3 iota, 4 iota प्लस में था, 1 माइनस में था, 3 बच गया मेरे पास, और -2 into iota square का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1, 6 plus 5 iota minus minus plus का 6 हो जाएगा, और नीचे देखिए कितना हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, 2 plus 3 iota और माइनस और माइनस प्लस 2, तो 6 into 6 plus 6 कितना होगा, 12 plus 5 iota बटा 4 plus
थ्री आ गया, ये किसका आ गया, जेड बराबर। अभी भी मेरा ये कॉम्प्लेक्स नंबर अभी भी ये जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के टर्म में नहीं आया नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में तो यहां लाने के बाद हम लोग क्या करना है, रेशनलाइजिंग कर देंगे। क्या करेंगे, रेशनलाइजिंग। अगर इसको रेशनलाइजिंग करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू कितना जाएगा, ये पॉजिटिव है तो 12 प्लस 5 आयोटा और नीचे कितना दिया हुआ है, 4 प्लस 3 आयोटा। इसको हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइजिंग का मतलब क्या हो जाएगा, इस साइन को अपोजिट करके इसी नंबर से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 माइनस 3 आयोटा बटा 4 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा। फिर से उसी प्रकार से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, कैसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 48 और फिर से कितना हो जाएगा, 20 आयोटा। ये इससे बुरा होगा तो माइनस, देख ध्यान दीजिएगा 12 into 4 48 हुआ, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, फिर से गुना करिए -3 से कितना जाएगा, -36 आयोटा और ये कितना जाएगा, -15 आयोटा होगा मल्टीप्लाई करेंगे तो। धन नीचे कितना हो जाएगा, देख लीजिए 12 चौक 48 होता है, 5 चौक 20 होता है, 12 3 36 होता है और 5 3 15 होता है, ठीक है। नीचे देखिए 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 16, इससे मल्टीप्लाई कितना जाएगा, -12 आयोटा सॉरी। अब नीचे देखिए, नीचे क्या है, a+b वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू आएगा, a+b into a-b का फॉर्मूला, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 48 और ये कितना हो जाएगा, -16 आयोटा। 20 में से 36 में से 20 क्या हो जाएगा, प्लस है और ये प्लस कितना हो जाएगा, 15, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, प्लस और ये 16 प्लस 9 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा आगे देखिए, 5 कितना जाएगा और ये कितना जाएगा, 48 प्लस 15 63 हो जाएगा, -16 आयोटा और नीचे कितना जाएगा, 16 प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, -1 पहले से था, कितना जाएगा, प्लस, यानी कि हमारे पास कितना बचेगा, 63 माइनस 60 आया, नीचे कितना जाएगा, 25। आप देख सकते हैं रियल पार्ट को अलग लिखेंगे हम लोग, ऑरिजिनरी पार्ट को लिखेंगे तो जाएगा 63 बटा 25 और -16 बटा 25 पाया होगा, ये जेड बराबर है। अब इसका मुझे क्या निकालना था, मैंने क्या बताया, कंजुगेट निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड प्लस आई वाई पर टर्म में लिखना होगा, मैंने इस टर्म में इसको लिया है। अब कंजुगेट का मतलब क्या होता है, कंजुगेट का मतलब आप जानते हैं, कंजुगेट क्या होता है, साइन चेंज कर देता है, कहां वाला साइन, जो आई के सामने साइन है ना। तो इसका अगर मैं कंजुगेट करूंगा तो 63 और 25 माइनस 16 25 आयोटा कंजुगेट हो जाएगा। कंजुगेट का मतलब क्या हो जाएगा, आई के सामने वाला साइन को क्या करेगा, चेंज करता है, तो कितना जाएगा, 63 25 और ये कितना जाएगा, +25 आयोटा। ये जगह क्या होगा, कंजुगेट, मतलब ये वाला ऑप्शन ये सही होगा। अब देखिए ऐसा ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, 63 ये वाला तो नहीं है, ये वाला है, तो इसका इस ऑपरेशन का जो कंजुगेट होगा वो भी नहीं होगा। चलिए हम लोगों ने पहला क्वेश्चन देखा, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, पहला मैंने हटा दिया इसके क्योंकि पहला हो गया। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, क्या निकालना, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखिए हमारे पास जेड इज इक्वल टू कितना है, जेड बराबर कितना होता है, 3 प्लस 4 आयोटा बटा कितना होता है, 4 माइनस 5 आयोटा ऐसा होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसा होता है, जेड बराबर, अगर जेड का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकलेगा तो कितना होता है, 1 बटा जेड। इस जेड का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होता है, 1 बटा जेड और 1 बटा जेड का मतलब कितना हो जाएगा, 1 बटा कितना, 1 बटा जेड का मतलब कितना हो जाएगा, देख सी
राइट यहां से लिखते हैं z का मतलब 1 बटा z का मतलब z के जगह पे कितना रह जाएंगे 3 प्लस हो रहा है ना और सॉरी 1 बटा 3 प्लस हो रहा है ना नीचे कितना जाएगा 4 माइनस 5 पाई ऐसा होगा। देखिए अब यहां पे हम क्या करेंगे ध्यान से देखना z इज इक्वल टू कितना जाएगा ये जो नंबर है जो सबसे नीचे चला जाएगा ऊपर 4 माइनस 5 पाई होगा ऐसा होगा क्या नहीं और ये कितना जाएगा 3 प्लस 4 आएगा ऐसा होगा ये ऊपर से करें। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा 4 अब मुझे इसका मल्टीप्लिकेटिव यूज करना है तो मल्टीप्लिकेटिव यूज कैसा होता है नीचे आई नहीं होना चाहिए तो 4 माइनस 5 पाई 3 प्लस 4 आई क्या करेंगे सर इसको लाइस कर देंगे कितना हो जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा बटा 3 माइनस 4 आयोटा नाइस कर दी। इसके बाद यहां से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे क्या हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 44 4 इंटू माइनस 16 आयोटा और माइनस 15 आयोटा होगा और माइनस माइनस प्लस 20 आयोटा स्क्वायर 20 आयोटा स्क्वायर नीचे कितना हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का टर्म है ए का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर 4 आयोटा का क्या होगा ऑल स्क्वायर तो कितना हो जाएगा देखिए 16 माइनस 15 कितना हो जाएगा 31 आयोटा और माइनस 20 क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1 होता है माइनस 1 से 20 गुना करेंगे तो देखो माइनस 20 और नीचे कितना देगा 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर होगा 16 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखेंगे 12 माइनस 20 कितना हो जाएगा माइनस 8 और माइनस कितना हो जाएगा 31 आयोटा नीचे कितना हो गया 9 और माइनस माइनस प्लस का ऐसा इसलिए क्योंकि आई एस पर कवर कितना रहेगा माइनस वन माइनस वन इंटू माइनस 16 कितना हो जाएगा प्लस 16 तो माइनस 8 माइनस 31 आयोटा 25 इसको अलग अलग लिखिए माइनस 8 25 माइनस 31 बटा 25 आयोटा ये क्या हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका आगे की समझ में। अब देखिए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन मिल रहा है बी नंबर इसका आंसर कौन सा होगा बी नंबर ठीक है तो नंबर हो गया। थर्ड नंबर में हम लोग आते हैं थर्ड को देखते हैं थर्ड में क्या निकालना फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ इस कॉम्प्लेक्स नंबर तो हमारे पास z इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 का आता होता है 1 बाय z होता है z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 बटा z होता है तो 1 बटा 2 माइनस कितना हो जाएगा 3 आता है। इसका स्लाइस करके देख लीजिए और जो ऑप्शन आता है आप खुद से कर लीजिएगा ये पहले से बताए हैं एक बार और मैंने यहाँ पे लिखा है उसी सवाल को। फोर्थ नंबर को देखिए फोर्थ नंबर में आएंगे फाइंड द कंजुगेट ऑफ z इक्वल टू a प्लस i b इज इक्वल टू ये चार ऑप्शन में से कौन सा होगा ये सवाल z बोर्ड में 2020 में पूछा है लेवल में ठीक है फाइंड द कंजुगेट ऑफ z इक्वल टू a प्लस i b का तो कंजुगेट क्या था अगर z बराबर हमारे पास x प्लस आई वाई है तो इसका अगर कंजुगेट निकालते हैं तो जेड आई वाई का कंजुगेट ध्यान से ये देना कि आई के सामने वाला जो साइन है वो चेंज कर दो तो यहाँ क्या हो जाएगा अगर x माइनस कितना आई वाई तब जेड कंजुगेट जब जेड ऐसा आएगा तब अभी हमारे पास जेड इज इक्वल टू कितना है ए प्लस आई बी इसका कंजुगेट निकालेंगे कितना हो जाएगा ए प्लस आई बी का कंजुगेट हो जाएगा। हमने क्या बताया कंजुगेट क्या बतलाता है कि आई के सामने जो साइन होगा वो रिवर्स करेगा माइनस है तो प्लस है प्लस है तो माइनस तो क्या हो जाएगा ए माइनस आई बी तो आने के इस नंबर इस सवाल का कंजुगेट इसका कंजुगेट कौन सा होगा ए माइनस आई बी आने की फर्स्ट नंबर का
ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे और भी सवाल करेंगे, ऑब्जेक्टिव सवाल, ठीक है, नेक्स्ट सवाल।